कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खातिर बाजार के बारे में बात करेंगे, जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खातिर बाजार में, खास तौर से सरसों सीड में आज किस तरह उतार चढ़ाव हुआ ट्रेंड मार्केट में आज आप देख सकते हैं। विस्तार से इस बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। सरसों सीड के बारे में बात करते हैं, तो नई सरसों की कीमतों में धीरे धीरे से सुधार बाजारों में देखा जा रहा है। अब तक बाजारों में 100 से लेकर 250 रुपए के बीच का सुधार मार्केट में देखने को मिला है। मौसम में जो उतार चढ़ाव देखा जा रहा है उसकी वजह से सरकार की खरीदी शुरू होने से सरसों में गिरावट पर लगाम लग सकती है, और खल में डिमांड सुधरने की वजह से मिलों की खरीदारी घटे भाव पर भी निकल रही है। हालांकि सरसों तेल की डिमांड में अभी भी चिंता का विषय देखा जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई जिलों में बारिश होने की वजह से सरसों की फसल पर खतरा मंडरा रहा है, और राजस्थान की 12 मंडी में कल मौसम को देखते हुए बंद घोषित करी गई मंडी, और 18 मार्च तक सरसों में ध्यान ठीक नहीं लग रहा है और सरसों में ध्यान ठीक लग रहा है जिसके बाद कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो मौसम की वजह से सरसों सीड की कीमतों में तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया गया है, और अब तक कीमतों में जबरदस्त तरह की बढ़त आ चुकी है। कीमतों के बारे में बात करते हैं, नई सरसों के रेट आपको बताएंगे। जयपुर का रेट 5650 से दिल्ली कीमतें 5500 चल रही है, 50 रुपए तक की बढ़त दर्ज करी गई है। बरवाला का रेट 4400 से लेकर 5250 के बीच देखा जा रहा है। हिसार की कीमतें 5200 से लेकर 5225 के बीच है, 25 रुपए तक की तेजी के साथ मार्केट में कारोबार हुआ है। इसके अलावा नई सरसों में प्लांटों की कीमतों के बारे में बात करते हैं। 6100 रुपए का रेट चल रहा है सलोनी शमशाबाद में, सलोनी डिग्नेर की कीमतें 6100 रुपए, सलोनी कोटा का रेट 6050 रुपए आप मार्केट में देख कर चल सकते हैं। बहुत ज्यादा गिरावट के साथ सरसों सीड में कारोबार नहीं देखा गया है। पिछले साप्ताहिक रिपोर्ट और उसके बाद की सभी रिपोर्टों में खरीदी की राय दी गई थी, और जहां से अब तक 100 से लेकर 250 रुपए तक की बढ़त दर्ज करी गई है, और 100 से लेकर 200 रुपए तक की बढ़त पर ट्रेडर्स मुनाफा वसूली यहां से कर सकते हैं, और स्टॉकिट करेक्शन आने का इंतजार कर सकते हैं, और शुरुआती बाजारों में खरीदारी अब गिरावट को देखते हुए यहां से करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हों तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।